नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने की मुख्यमंत्री से भेंट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को बालिका आश्रम टूटीकंडी में बालिकाओं के साथ केक काटकर मनाया अपना जन्मदिवस। विशेष श्रद्धा का प्रतीक भद्रकाली मंदिर भले। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा बड़ा गंभीर विषय है और काफी समय से ये सरकार आती है, इन विचारों के लिए मांग उठती है जो आउटसोर्स पर लगे हुए हमारे कर्मचारी है, चाहे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लगे, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो दो आठ आठ दस दस साल से लगे हैं। यही आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं है, कई तो ठेकेदार टेंडर करते हैं, जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट में टेंडर होता तो उसके आधार पर उनको ठेकेदार के अंडर रखा जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के अंडर रखे गए हैं और पिछली सरकार ने भी उसमें प्रयास किया और उस प्रयास में वो अंतिम समय में प्रयास था जिसमें भी उन्होंने भी यही कहा कि जो सरकार है इसको निकाले ना या इस दृष्टिकोण से देखा जाए, पर कोई नीति लेके उसमें कंक्रीट नहीं आई, क्योंकि ये नीति लेने में क्या अड़चने हैं उस बारे में हम विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा हिमाचल के युवाओं का आउटसोर्स पर लगा हुआ है, इस दृष्टिगत से हमारी सरकार ने इस बार हमने बजट में ये प्रावधान किया कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया, क्योंकि अभी अभी हमारी सरकार को बने 100 दिन है और इस पर हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में विस्तृत विचार करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आनंद शर्मा ने आज ओकओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री आनंद शर्मा को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, आज सब समाज के जितने भी वर्ग है और जितनी निडरता से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी आवाज़ को उनकी सदस्यता ख़त्म करने के बाद सदन में तो रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में रोकने के लिए उन्हें कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो जनता की अदालत में रुक सकते हैं। एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, अभी कन्विक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को बालिका आश्रम टूटीकंडी शिमला में बालिकाओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गई और बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बालिका आश्रम में जन्मदिन मनाकर मुख्यमंत्री ने समाज को एक बार फिर से यह संदेश दिया कि हमें अपने जीवन की खुशियों के पलों को समाज के वंचित वर्गों के साथ बांटना चाहिए, इससे ऐसे वर्गों में अपनत्व का भाव पैदा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की है तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए भी एक योजना तैयार की जा रही है जिसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। यह योजना ऐसे बच्चों के क्षमता विकास और उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, यहां शिव शक्ति, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास और परम सिद्धों नाथों की साधना देवभूमि हिमाचल को विख्यात बनाती है। देवस्थलों पर हर वर्ष लगने वाले मेले आज भी प्राचीन परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई शहर, गांव या नगर होगा जहां देवी देवताओं का वास न हो। जिला चंबा का भद्रकाली मंदिर भले ही जिला चंबा ही नहीं अपितु पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि सीमावर्ती राज्यों के लोगों की भी विशेष आस्था का केंद्र है।
भलई स्थित मां भद्रकाली का ये मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। माता के मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आम दिनों के अलावा नवरात्रि में यहां भारी संख्या में श्रद्धालु शीश नवाते हैं। नवरात्रों के समय खासकर मार्च और अप्रैल में होने वाले नवरात्रों में भारी भीड़ रहती है। यहाँ बच्चों के मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। मुंडन संस्कार के लिए जिला चंबा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ और पंजाब के लोग भी यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर में भंडारा और जगराते करने के लिए जगराता भवन का निर्माण भी किया गया है। मंदिर सुबह 4 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। वर्ष 1969 में मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने शुरू हुई तो यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जो आज तक पूर्ण रूप से कार्यशील है और बेहतर कार्य कर रही है। मंदिर के चढ़ावे का हिस्सा भी हर माह मंदिर प्रबंधन समिति को जाता है। प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर के रखरखाव के सारे कार्य अच्छी तरह पूर्ण किए जाते हैं। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन नालागढ़ जिला सोलन ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया। उन्होंने इस पुनीत अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने में मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का कैलेंडर जारी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।